सामीन कश्मीर लाइव में आपका स्वागत है। हम अभी श्रीनगर के लाल चौक एरिया में संडे से कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह वो 3 दिन से बंद पड़ी हुई है। हजारों गाड़ियां जो है वो धर्मबंधा है। कश्मीर यूनिवर्सिटी से अभी इतना मिली है कि जो 6 और 7 को एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनको मुलतवी किया गया और कल स्टूडेंट के जो आज के एग्जामिनेशन है उनको भी मुलतवी किया गया है। श्रीनगर एयरपोर्ट से भी अभी खबर आई है कि जो मॉर्निंग फ्लाइट है उनको सस्पेंड किया गया है। भारी बर्फबारी होने की वजह से लोगों ने ज्यादातर घरों में ही बैठने को तरजीह दी है। जैसे कि हम आपको बता देते हैं कि जो श्रीनगर का लाल चौक है यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो शॉप्स है वो बंद पड़े हुए हैं और गाड़ियों की आमद रफ्त वो ज्यादा नहीं है। समीन जो अभी तक इतला मिली है श्रीनगर में अभी तक 8 सेंटीमीटर जो है स्नो रिकॉर्ड की गई है और गुलमर्ग से इतला मिली है कि 20.3 सेंटीमीटर जो है स्नो रिकॉर्ड की गई है और कोकरनाग में 26.0 सेंटीमीटर जो है स्नो रिकॉर्ड की गई है। और आपको ये भी बता देते हैं कि काजीगुंड में सबसे ज़्यादा स्नो रिकॉर्ड की गई है 29.8 सेंटीमीटर। नॉर्थ कश्मीर के जिला कुपवारा में अभी तक 2 सेंटीमीटर स्नो रिकॉर्ड की गई है और पहलगाम में अभी तक जो इतला मिली है 18 सेंटीमीटर जो है स्नो रिकॉर्ड की गई है। सागर खेड़ेकर महाराष्ट्र से देख के अलग नज़ारा लगता है इसमें, बहुत दिल को मतलब छूता है ये और बहुत खूबसूरत लगा हमको। ये पहली बार देखा मैंने ये सब और एक इसमें जन्नत के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते, इसके अलावा क्या बोल सकते हैं। और उनको इधर आना चाहिए इस वक्त इस मौसम में, दिसंबर जनवरी में इधर आके घूमना चाहिए, मज़ा लेना चाहिए बर्फ़ का। सागर पवार, मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, सांगली से हूँ, लेकिन बर्फ़ का मज़ा ही कुछ और है। कश्मीर में आए तो जन्नत का मज़ा लेना चाहिए, कश्मीर हमें बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे बर्फ़ का मज़ा लेते हैं हमेशा, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। कश्मीर में आ जाओ, बर्फ़ का मज़ा ले लो, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है कश्मीर में, बहुत घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, बहुत सारी जगह है कश्मीर, एकदम बहुत बढ़िया है भाई, मेरे को दिल कुछ हो गया। मैं दिल्ली से हूँ और यहाँ आया था मैं 30 तारीख को, 3 तारीख की फ़्लाइट थी वो कैंसिल हो चुकी है, बस मुझे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा। बाकी आप जानते हो कश्मीर तो कश्मीर ही है। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब मदद कर रहे हैं, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मेरा नाम परवेज मोहन भट्ट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, टूरिस्ट भी यहाँ पे है बहुत, वो भी मैंने एक दोस्त से बात की वो भी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, इनके लिए एक नया चीज़ होता है, नया नज़ारा होता है कश्मीर में आके, वो इसको बहुत ही इंजॉय करते हैं एंड इट्स वेरी गुड फॉर आवर कश्मीर दैट द टूरिस्ट्स आर कमिंग इन अ वेरी ह्यूज नंबर्स और दिस वेरी गुड फॉर आवर इकोनॉमी। आपको ये भी बता देते हैं कि महकमे मौसमियात ने बोला है कि कल दोपहर के बाद मौसम में तब्दीली आ सकती है। अमीन हमारे साथ बने रहे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, कैमरामैन शेवानी के साथ मैं हूँ ताहिर भाई।